को आज कक्षा वस्तु सामाजिक विज्ञान में आपका पहला पाठ है संसाधन। आज हम संसाधन टॉपिक पर चर्चा करेंगे। तो हम संसाधन की बात करें तो प्रकृति ने हमें जो निःशुल्क उपहार के रूप में जो उपलब्ध करवाया है प्राकृतिक संसाधन है, और ये तो साधारण शब्दों में हो गया। और वैसे हम बात करें तो हम हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में उपयोग में लाई जाती है और जिसे प्राप्त करने के लिए विभिन्न विधियां या तकनीकियां हमारे पास उपलब्ध हैं, अर्थात हम उसके माध्यम से उन प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करके अपने अनुकूल वस्तुओं उनसे बना सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, तो हम उसको संसाधन कहते हैं। तो और इसी तरह से अब हम बात करें कि संसाधनों के प्रकार। तो संसाधनों के प्रकार की बात करें तो मुख्यतः हमें दो रूप इसमें दिखाई देते हैं। एक है आपका प्राकृतिक संसाधन, प्रकार की बात करें एक हो गया आपका प्राकृतिक संसाधन, अर्थात वह संसाधन जो प्रकृति ने हमें निःशुल्क उपलब्ध कराया है, हम उसको अपने अनुकूल जैसा मैंने अभी समझाया था संसाधन में उस तरह से उसको हम कह सकते हैं, जान सकते हैं। दूसरा होता है आपका इसलिए कि मानव निर्मित संसाधन, मानव निर्मित संसाधन, तो इसके बारे में जिस तरह से ये प्रकृति ने हमें निःशुल्क उपलब्ध कराया है ऐसे संसाधन प्राकृतिक संसाधन हो गई, वैसे ही मानव निर्मित संसाधन, अर्थात मनुष्य उन प्रकृति द्वारा जो उपलब्ध संसाधन है उनको अपने हिसाब से नए भवन, सड़कें, मकान, इस तरह की जो क्रियाकलाप करता है, जो अपने हाथ से सृजित करता है अपनी तकनीकी और विधियों का उपयोग करके, तो उसे हम मानव निर्मित संसाधन कहते हैं। आज हम विभिन्न तरह के संसाधन देख रहे हैं कि हमारी सड़कें हैं जो जिसमें मटेरियल लगा है प्रकृति रूप से प्राप्त हुआ है, लेकिन हमने विभिन्न तकनीकियों वैज्ञानिक विधियों का उपयोग करके उसे अपने अनुकूल बना लिया है, भवन है, मकान है, सड़कें हैं, इस तरह से। तो हम इसको दो भागों में बांट सकते हैं, प्राकृतिक संसाधन दूसरा मानव निर्मित संसाधन। अब हम बात करें कि विशेष रूप से प्राकृतिक संसाधन के वर्गीकरण की बात करते हैं। वैसे हम यहाँ संसाधनों का वर्गीकरण इस तरह से प्रकार को हैं, वैसे ही संसाधनों के वर्गीकरण की बात करें तो वही हो गया आपका एक तरफ प्राकृतिक और दूसरी तरफ मानव निर्मित। अब हम प्राकृतिक संसाधनों को विशेष रूप से हम देखते हैं। प्राकृतिक संसाधनों में बात करें तो एक तो हो गया प्रकृति द्वारा हमें प्राप्त वह संसाधन जो नवीकरणीय है, नवीकरण योग्य है, तो जैसे वह संसाधन जिसका हम उपयोग करते हैं लेकिन वह पुनः नवीकरण या नया रूप उसका आ जाता है तो हम उसे नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे सौर ऊर्जा के विश्व में भारतीय महाद्वीप ऐसा भूभाग है जो सबसे लंबी अधिक सौर ऊर्जा सूर्य की ऊर्जा जो है प्राप्त करता है, तो उसी कड़ी में हम देखें तो सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और जल नित्य प्रवाहगामी है, जल से प्राप्त होती है तो वह निरंतर हमें प्राप्त होता रहता है। तो इस तरह के संसाधनों को हम नवीकरणीय संसाधन कह सकते हैं। हम चाहें तो यहाँ देख सकते हैं जैसे कि सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा और जल शक्ति से प्राप्त ऊर्जा, ठीक हो गया। तो जहाँ एक हम प्राकृतिक संसाधनों के वर्गीकरण की बात करें तो उसमें पहला हो गया आपका नवीकरण योग्य और
अभी का डीएम क्योंकि हमने उदाहरण ये देखे वो ध्यान से समझे ऐसे ही दूसरा हो गया अनवीकरणीय अनवीकरणीय संसाधन अनवीकरणीय संसाधन अर्थात जैसे इसमें कि हम उसे पुनः प्राप्त कर सकते हैं या वह पुनः हमें उपलब्ध हो जाता है तो नवीकरणीय उसी तरह से जिसका हम एक बार उपयोग कर लेते हैं वह पुनः प्राप्त नहीं होता या एक बहुत निश्चित मात्रा में ही प्राप्त होता है या लंबी अवधि बाद प्राप्त होता है ठीक है ना, तो उसे हम अनवीकरणीय संसाधन कह देते हैं। और इसी कड़ी में दो भाग हो गए प्राकृतिक संसाधनों के नवीकरणीय और अनवीकरणीय। अब नवीकरणीय में हम बात करें तो इसके भाग करें हम देखेंगे कि एक तरफ सतत अथवा प्रवाह नवीकरणीय की बात करें इसका आपका हो जाएगा कि एक तरफ तो हो गया आपका सतत अथवा प्रवाह अर्थात जो हमें निरंतर प्राप्त होता रहता है अर्थात जिसके निकट भविष्य में या आने वाले समय में समाप्त होने की संभावना नहीं है हम उसे सतत कह देंगे। ऐसे संसाधन जैसे हम कह सकते हैं कि पवन अर्थात जब तक हवा है तब तक पवन ऊर्जा हमें प्राप्त होती रहेगी, जब तक जल उपलब्ध है तब तक हम जल से जल विद्युत या अन्य जो तरह की क्रिया द्वारा हमें प्राप्त होते हैं वो हम प्राप्त करते रहेंगे। एक तो ये हो गया भाग आपका कि सतत अथवा प्रभाव। ऐसे ही दूसरा प्रभाव करें दूसरे की बात करें तो आपका इसमें एक जोड़ी है इनमें जय होगी तो जय में जहाँ आपके प्राकृतिक वनस्पति को इसमें सम्मिलित किया है प्राकृतिक वनस्पति को इसमें सम्मिलित किया है दूसरे पार्ट में इसमें वन्य जीवों को जोड़ा गया है ठीक है ना। तो इस तरह से आपका नवीकरणीय संसाधन नवीकरणीय के आपके पार्ट हो गए कि सतत और जैव प्राकृतिक वनस्पति या वन्य जीव ठीक है ना। ऐसे ही हम अनवीकरणीय की बात करें तो अनवीकरणीय को विभिन्न भागों में बांट सकते हैं जैसे आपका हो गया एक तरफ पुनर्चक्रीय संसाधन की बात करें जैसे हमने यहाँ कहा कि अनवीकरणीय संसाधन है इसका अर्थात जिस संसाधन का हम एक बार उपयोग कर लेते हैं वह पुनः प्राप्त नहीं होता या लंबी अवधि बाद प्राप्त होता है या सीमित मात्रा में प्राप्त होता है तो उसका एक भाग है पुनर्चक्रीय संसाधन की जैसे धातु लोहा हो गया सोना हो गया ये इस तरह के धातु है जो पुनःचक्रीय है अर्थात एक बार उपयोग करने के बाद हमने इन्हें मन अनुकूल पुनः इन्हें रिसाइकलिंग कर सकते हैं पुनः उपयोग के हेतु हम इन्हें बना सकते हैं तो इसी श्रेणी में आपका ये पुनर्चक्र संसाधन आता है। हम इसमें विशेष रूप से सोना चांदी लिखने के बजाय हमें इसमें लिखने धात अर्थात धातु जो भी पदार्थ या खनिज है तो हमें जो उपलब्ध है वह पुनर्चक्रीय है। और ऐसे ही दूसरा है आपका अचक्रीय अचक्रीय की बात करें तो वे संसाधन जो एक बार उपयोग होने के बाद फिर पुनः निकट भविष्य में उसकी प्राप्ति की संभावना नहीं है या लाखों करोड़ों वर्षों की प्रक्रिया बाद ही वह पुनः उपलब्ध हो सकते हैं। ऐसे संसाधनों की बात करें तो जैसे आपका विभिन्न उदाहरणों से हम इसे समझ सकते हैं जैसे कि जीवाश्म ईंधन जीवाश्म ईंधन जैसे कि खनिज तेल आपके हो गए पेट्रोल हो गया और डीजल हो गया ये जो ऊर्जा के संसाधन हैं ये एक बार अगर समाप्त हो जाते हैं तो निकट भविष्य में पुनः प्राप्त होने की इनकी संभावना नहीं है जैसे कोयला है ठीक है ना। इस तरह के संसाधन ये आपके अचक्रीय संसाधन कहलाते हैं अचक्रीय संसाधन ठीक। अब दूसरी ओर बात करें मानव निर्मित संसाधनों की तो हम उसमें देखेंगे कि मानव निर्मित संसाधन तो संक्षिप्त रूप से समझ लेते हैं
इसी का एक भाग है, जैसे हमने यहाँ प्राकृतिक संसाधन मानव निर्मित संसाधन कहा था, जगह कम है इसलिए हम इसको यहाँ जोड़ ले रहे हैं। तो मानव निर्मित संसाधनों में एक तो हो गया संरचनात्मक एवं संस्थागत, एक तो है आपका संरचनात्मक एवं संस्थागत, संरचनात्मक एवं संस्थागत। तो जैसे कि विभिन्न संरचनाओं की हमने रचना करी, सड़कें बनवा दी, भवन बनवा दिए, तो इस तरह से ये संरचनात्मक हो गई, यानी कि मानव निर्मित है, मानव ने अपने अनुकूल अपने हिसाब से अपनी सुविधा अनुसार उसको निर्मित कर लिया। ऐसे ही एक दूसरा इसमें मानव निर्मित संसाधनों का दूसरा भाग हो जाता है माता एवं गुणवत्ता, मात्रा एवं गुणवत्ता। अर्थात जहाँ एक तरफ संरचना निर्माण की बात हो रही है कि उन संसाधनों का उपयोग अपने लिए करने के लिए विभिन्न संरचनाओं का निर्माण कर दिया, दूसरी को मात्रा एवं गुणवत्ता का भी निर्धारण मनुष्य ने अपनी सुविधा के लिए किया है। अर्थात कौन सी वस्तु किस मात्रा में हम उसको उपयोग करें या उसे मात्रात्मक रूप में हम कैसे जाने, क्या उसकी गुणवत्ता होनी चाहिए, गुणवत्ता के मानक तय कर दिए, ठीक है ना। ये दोनों ही चीज़ें जो हैं मानव निर्मित हैं, जो उसने अपनी सहूलियत अपनी दिनचर्या चलाने हेतु स्वयं निर्मित किया है। तो इस तरह से आज हमने जो है प्राकृतिक संसाधनों का हमने यहाँ देखा, संसाधनों के वर्गीकरण में एक तरफ प्राकृतिक, दूसरी तरफ मानव निर्मित, और प्राकृतिक में नदीकरण अनुकरण और मानव निर्मित, जैसा मैंने आपको भी समझाया। तो इसको ध्यान से समझिए और इस चार्ट को अपनी कॉपी में बनाएं, ये आपके पहले पाठ का ही है। Thank you.